हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि IMDB का टास्क 12 कैसे करना है, मतलब मैंने कैसे करा है। तो ये मेरा आनंद का पेज खुला है कास्ट का, और इसमें से मुझे ये कास्ट निकालनी है सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो मैं टेबल टैग फाइंड कर रहा हूँ जिसकी क्लास है कास्ट लिस्ट, तो वो मैंने पहले से कर दिया है। ठीक है, सूप डॉट फाइंड टेबल क्लास कास्ट लिस्ट। ठीक है, अब एक अगर मैं राजेश खन्ना का देखूँ, इसमें राजेश खन्ना ढूंढते हैं यहाँ पे, तो मैं वो टीडी ढूंढ रहा हूँ जिसमें जिसकी क्लास कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने मेरे एक्टर्स किसके इक्वल है टेबल डेटा में, वो टीडीज जिनकी क्लास कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक्टर्स प्रिंट करा के देखूं तो देखिए मेरे सारे एक्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से उनकी IMDB आईडी निकालनी है और नेम निकालना है। तो नेम के लिए तो मैं इजीली गेट टेक्स्ट का यूज़ करके नेम निकाल सकता हूँ, भाई बात आती है IMDB आईडी की, तो इसमें हमें गेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले मेरा अभी मैं सिर्फ पहले एक्टर के लिए यानी राजेश खन्ना के लिए करके दिखा देता हूँ, फिर आप लूप चला के कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, IMDB आई डी इज इक्वल टू एक्टर डॉट फाइंड ए टैग, मतलब इसमें ए टैग फाइंड होगा मेरा। ठीक है, और फिर मैं क्या गेट करूँगा उसमें से HREF, तो मैं HREF एट्रीब्यूट मांगूंगा, और फिर उस HREF एट्रीब्यूट को मैं स्लाइसिंग का यूज़ करके अपनी IMDB आई डी निकालूंगा। IMDB आई डी निकल चुकी है, और एक्टर के नेम के लिए ठीक है, तो मेरा एक्टर का नेम आ चुका है और IMDB आईडी आ चुकी है। तो बेसिकली इस टास्क में हमें यही निकालना है। तो ये जो IMDB आईडी है और एक्टर का नेम है, इसकी मैं एक डिक्शनरी बना लूँगा। ठीक है, तो फॉर्मेट ये रहेगा हमारा। और देखिए सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट बनाई है के अंदर जो मेरे एक इंडेक्स पे लास्ट से दिखा देता हूँ, एक इंडेक्स पे मेरी एक डिक्शनरी है। ठीक है, उस डिक्शनरी में मेरी दो कीज़ हैं, IMDB आईडी और नेम। जो मेरी IMDB आईडी है वो मैं स्लाइसिंग के थ्रू निकाल रहा हूँ और निकाल के दिखा दिया मैंने आपको, और जो नेम है वो भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। बस आपको ये जो एक्टर्स वाली जो लिस्ट है इस पर लूप चला के ये दो प्रोसेस रिपीट करने होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों को अब की बना के, मतलब इन दोनों की वैल्यू पेयर्स बना के आप डिक्शनरी में डाल सकते हैं, और फिर उस डिक्शनरी को आप अपनी लिस्ट में अपेंड करा सकते हैं। मैंने तो ऐसे करा है, अगर आप कोई और पैटर्न ढूंढ पाते हैं तो और भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।